आज एक गरीब की कहानी जिसे समाज के सामने लाने की बेहद जरूरत है। एक सब्जी बेचने वाला जब सिविल जज बनता है तो फिर यह कहानी आपको सुनानी भी जरूरी हो जाती है। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला हो तो हर मौज में किनारा है। जिसके पास बचपन में पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, अम्मा ने जैसे तैसे पढ़ाया, पिता ने मेहनत कर उसे आगे बढ़ाया, लेकिन अम्मा को कैंसर हो गया और वो दुनिया से चल बसी। बस उसी माँ के चरणों की सौगंध खाकर एक बेटे ने वो कर दिखाया कि सुबह को पिताजी के साथ सब्जी बेची, शाम को पढ़ाई की और चार बार असफल होने के बाद अब जाकर ओबीसी कोटे में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिविल जज बन गया। कहानी मध्य प्रदेश के सतना जिले की है और कहानी उस गरीब शिवकांत कुशवाहा की है जिससे मिलने वालों का अब तांता लगा है। अमर पाटन तहसील में जन्मे शिवकांत कुशवाहा जी के पिता दुकान चलाते थे। उसी दुकान में शिवकांत उनका हाथ बटाते थे। दुकान आर्थिक स्थिति के चलते बंद हो गई, फिर गन्ने का एक ठेला लगाया, उसके बाद सब्जी बेचने का काम किया। बचपन से लेके अभी तक शिवकांत ने सिर्फ संघर्ष किया है। अपने दोस्तों की किताब से उन्होंने पढ़ाई की है, उनके मित्रों ने सदैव उनका सहयोग किया है। जिस शख्स के पास किताबें खरीदने को पैसे नहीं थी, वह दोस्तों की किताबें फोटोकॉपी करवा कर पढ़ता रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसने LLM की तमाम पढ़ाई की, लेकिन उसके हौसले टूटने लगे। वजह थी कि वो चार बार सिविल जज की परीक्षा में असफल रहा, लेकिन माँ की याद उसका हौसला बढ़ाती रही। लेकिन वो कैंसर से पीड़ित हो गई और उसकी मौत हो लेकिन माँ की याद उसका हौसला बढ़ाती रही वजह थी माँ कैंसर से पीड़ित थी और उसकी मौत हो जाने के बाद बेटे ने अपनी माँ की याद में जबरदस्त पढ़ाई की और फिर बन गया सिविल जज। बस बेटे ने ठाना है कि हौसला टूटने नहीं देना है और शिवकांत कुशवाहा अपनी माँ की याद में कुछ इस कदर पढ़ाई करने लगा कि आज सिविल जज बन गया। उसके पिता और रिश्तेदार सभी खुश हैं। ईमानदारी से मैं दिन पढ़ाई भी करता था, सब्जी का ठेला लगाता था और जिसके आधार पर दिन रात में मतलब जो भी समय मिलता था पढ़ाई करता था और पूर्ण परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज आपके सामने। यही कहता था कि पढ़ाई पढ़ाई और मेहनत। सो मैंने किताबें को अध्ययन किया और किताबों को खूब अध्ययन करके अपने प्यारे रिश्तों को, गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, मेरी पत्नी का, मधुलता जी का, बड़े भाई शिवलाल जी का, हमारे दोस्त ब्रजेश जी का, बिल्कुल श्रीघ्न की कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। सिविल जज नहीं, कोई भी परीक्षा अगर आपके अंदर ईमानदारी है और परिश्रम और ईश्वर मतलब उस अदृश्य शक्ति परमात्मा का विश्वास और फिर अपने माता पिता के प्रति संपूर्ण निष्ठा, अपने गुरु के प्रति संपूर्ण निष्ठा, कर्म पर विश्वास। अब आप तो सामने ही हैं, स्थितियाँ सामने हैं, इनके भविष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मोड़ इनकी औरत। इनकी औरत स्वयं ट्यूशन 6-6 घंटे पढ़ाया करती थी पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, और उसी से 2-4 पैसे जो भी जुटाती थी बेचारी, तो इनको फीस व्यवस्था करती थी, कॉपी की व्यवस्था करती थी और जो भी व्यवस्थाएं हैं कंपटीशन की व्यवस्था करती थी, और जो भी मित्र हैं इनके, माता पिता हैं, अपनी स्थितियाँ जैसी भी हैं मैनेज करके इनकी व्यवस्था करते थे। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष का इनके श्रेय इनकी धन पत्नी मधुलता जी का है। पहले ठेला लगाता था सब्जी का, हाँ, अब पढ़ाई करता है। अच्छा, और हम अपना सब्जी भाजी काम करते हैं। हाँ हाँ, अब करते रहेंगे कि बंद कर देंगे? हम तो अपना काम करते रहेंगे। हाँ हाँ, कुछ है, किसी को धन्यवाद देंगे? हम पूरा विश्व को धन्यवाद देंगे, सबका आशीर्वाद है चरणों का। कारनामे बड़े होंगे तो बात भी बड़ी होगी, हौसले बड़े होंगे तो औकात भी बड़ी होगी। शिवकांत कुशवाहा के सिविल जज बनने को लेकर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये कहानी हमने आपको इस वजह से सुनाई कि सिविल जज बहुत से लोग बनते हैं, कई लोग अधिकारी बनते हैं, कई लोग कलेक्टर बनते हैं, कई लोग SP बनते हैं, लेकिन जो लोग संघर्ष की सीढ़ी चढ़कर मंजिल पाते हैं, यकीन जाने वो ना तो कभी जिंदगी में असफल होते हैं, ना ही अपने पास रहने वाले लोगों को असफल होने देते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट।